दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम, देश रोजाना यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज जो मैं आपसे बात करने जा रहा हूं या मुद्दे की बात है वो ये है कि ये टेलीफोन कंपनियां या जो भी हमें मोबाइल फोनों के लिए सर्विस प्रदान करती हैं, सर्विस प्रोवाइडर हैं, जो भी मुख्य कंपनियां हैं, चाहे वो एयरटेल है, चाहे जियो है, चाहे आइडिया है, चाहे जो भी है, चार पांच कंपनियां हैं, टेलीफोन मोबाइल फोन के उपभोक्ताओं को किस तरीके से लूटा जा रहा है, किस तरीके से उनके साथ गैर कानूनी फैसले लिए जा रहे हैं, किस गैर कानूनी तरीके से उनसे ज़्यादा वसूली की जा रही है, उससे उपभोक्ता, मोबाइल के उपभोक्ता जो करोड़ों में है भारत, कई लोग हमसे चर्चा करते हैं कि इस मुद्दे को उठाइए सरकार के सामने, के ट्राई के सामने, कि क्या सरकार की नज़र में ये नहीं है कि देश के करोड़ों मोबाइल के उपभोक्ताओं के साथ ये कंपनियां, चाहे एयरटेल है चाहे जो भी है, कितना गुनाह कर रही हैं, कितना गैर कानूनी काम कर रही हैं। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि महीना, एवरेज महीना 30 दिन का होता है या 31 दिन का होता है। पूरे 12 महीने में फरवरी को छोड़ के जो 28 या 29 दिन का होता है, बाकी सारे महीने 30 या 31 दिन के होते हैं। लेकिन दोस्तों, जो जिनके पास पोस्ट पेड जो उनका फोन होता है, तो उनका जो बिल आता है महीने का आता है, उन्हें 30 या 31 दिन के बाद बिल चुकाना होता है, यानी पूरे महीने का बिल उनको आता है और वो उसे चुकाते हैं, जो बड़ी सीधी सी बात है। लेकिन दोस्तों, जो प्रीपेड ग्राहक हैं एयरटेल के या अन्य कंपनियों के, उनसे ये कंपनियां उन्हें महीने में 30 या 31 दिन नहीं देती, बल्कि 28 दिन देती हैं। 28 दिन में वो महीना पूरे कर लेती हैं। अब उनसे पूछा जाए कि भाई तुम्हारा 28 दिन का महीना कैसे हो गया, जब तुम पोस्ट पेड पे 30 दिन या 31 दिन का बिल लेते हो, तो हमें जो है 30 दिन या 31 दिन की जगह 28 दिन में महीना कहकर हमसे क्यों जबरन वसूली करते हो। ये बहुत सारे लोग जो भी हमें जानते हैं, आसपास के लोग हैं, चाहे हमारे कार्यालयों में हैं, चाहे हमसे मिलने जुलने वाले हैं, और मीडिया वालों से तो रोजाना बड़ी तादाद में लोगों से मिलना जुलना होता है, हम जनता के बीच में रहते हैं, तो बहुत लोगों ने हमारे सामने ये समस्या उठाई कि ट्राई प्रीपेड ग्राहकों के साथ हो रहे जुल्म को रोकती क्यों नहीं है, इन टेलीफोन कंपनियों को आम आदमी जो करोड़ों हैं मोबाइल के उपभोक्ता, तो वो साल में 12 महीने की जगह 13 महीने का बिल वसूलते हैं। आप लगा लीजिए कि 28 दिन में 12 दूनी 24, और जो 31 के लगा लें आप भाई, 31 के कितने महीने होते हैं, तो यानी सरेआम सरकार की आंखों के सामने, ट्राई के सामने, संबंधित देश के मंत्री के सामने 12 महीने की जगह 13 महीने का बिल वसूला जाता है। ये कौन सा कानून है, ये कौन सा तरीका है,
देश की जनता पूछना चाहती है, भारत पूछता है कि संबंधित मंत्री और ये कंपनियां जवाब दें मोबाइल के करोड़ों उपभोक्ताओं के साथ ये जुल्म क्यों होता है और 12 महीने की जगह 13 महीने का बिल क्यों वसूला जाता है, 30-31 दिन की महीने की जगह सिर्फ उन्हें 28 दिन महीने में क्यों दिए जाते हैं, ये कौन से कानून के तहत इन्होंने अपने महीने के दिन निर्धारित कर लिए हैं। तो दोस्तों, कहने में देखने में ये छोटा सा मुद्दा लग सकता है, लेकिन जब करोड़ों लोगों से ऐसे गैर कानूनी वसूली होती है तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और देश के कर्ता धर्ता मंत्री इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं तो ये देश की आवाज़ है और देश पूछता है कि संबंधित मंत्री, संबंधित अधिकारी जवाब दें कि उनको 30 या 31 दिन की जगह 28 दिन ही क्यों दिए जाते हैं जब वो प्रीपेड कनेक्शन लेते हैं। दोस्तों, इस मुद्दे पर मैं एक बात और आपसे कहना चाहता हूं। आपको दोस्तों याद है कि किस तरीके से मार्केट करके शुरुआत में जियो ने अपने सिम फ्री में दिए थे, फ्री में सेवाएं दी थी, और वो जो शुरुआत में जो फ्री में दी थी उसकी वसूली शायद ये कंपनियां अब कर रही हैं जनता से। और यही नहीं, 28 दिन का मुद्दा तो है ही कि 30-31 दिन की जगह 28 दिन में महीने के पैसे वसूल रहे हैं। अभी हाल ही में इन कंपनियों ने लगभग 25% बिल महीने के और महंगे कर दिए। अब आप लगाइए कि यदि एक आदमी का पहले 400 रुपये बिल आता था तो 500 रुपये आएगा, कितने करोड़, शायद 100 करोड़ से भी ज़्यादा मोबाइल के उपभोक्ता हैं। और उन सबको, पूरे देश वालों को 25% ज़्यादा बिल चुकाना पड़ेगा। तो जनता के साथ हो रही इन जातियों को सरकार देखे, बढ़े हुए बिलों को जो 25% एकदम कर दिए हैं उनको या तक ख़त्म करवाए या 5-5% करके धीरे धीरे बढ़ाए तो बात समझ में आती है। तो सरकार को हमारा जो मुद्दा था 28 दिन वाला, उसके साथ साथ ये जो अचानक 25% मोबाइल फ़ोनों के बिल बढ़ा दिए हैं, इन पर भी सरकार फैसला ले और इनको वापस पुरानी दरों पर ही मोबाइल बिल वसूलने के लिए निर्देश दे, क्योंकि जनता पहले ही भारी महंगाई से त्रस्त है और एक साथ इनका 25% बिल बढ़ा देना, चार्ज बढ़ा देना देश की जनता के साथ अन्याय है। तो दोस्तों, देखे रहिए देश रोजाना, कल मिलते हैं फिर एक नए मुद्दे के साथ नए एपिसोड में। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।